अन्न को उपजाने के लिए अपने को 5-7 बातों का ध्यान रखना है। हम पिछले 10 सालों से ऑर्गेनिक खेती पर प्रयोग करते हैं। 1 एकड़ जमीन में हम 2.5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए की खेती करते हैं, गोमूत्र गोबर से। हरी मिर्ची भी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन, आलू, टमाटर, मटर, सारी साग सब्जियां, लौकी, तोरई आदि, फिर शिरडी, गन्ना, फिर गेहूं। हमारे पास 50 जात का गेहूं है। 28 क्विंटल हम 1 एकड़ में पैदा करते हैं, 28 क्विंटल 1 एकड़ में, और बिना किसी यूरिया डीएपी के गेहूं भी पैदा करते हैं हम, धान भी पैदा करते हैं। और मैंने कहा 2.5 से 5 लाख रुपए का इनकम। आपका जो बंजर जमीन है, कोरफड़ आप लोग बोना, आपको बंजर जमीन पर भी 1 लाख रुपए का इनकम पतंजलि करवा करके देगा, ये मेरी गारंटी है। कोरफड़, अब ये तो 1 एकड़ जमीन में आप आराम से, जिसमें कुछ नहीं होता उस जमीन पर। फिर हनी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जितना भी हनी आपके इस चंद्रपुर जिले में होता है पूरा पतंजलि खरीद लेगा। जितना आपको हनी करना उतना हनी करो। शहद, मधु, खूब उसमें आप पैदावार कर सकते हो। थोड़ी सी जमीन में डब्बे लग जाते हैं और वो मधुमक्खी कहीं कहीं से 10-15 किलोमीटर दूर तक का सब शहद लेकर के आ जाती है। ये हनी, शहद, हल्दी, एक और औषधि होती है गिलोय, उसको गुड़वेल बोलते हैं इधर, अमृता बल्ली बोलते हैं कहीं, अमृता भी नाम है उसका, गुर्च, गुडूची, गड़ो बोलते गुजराती में बोलते हैं, साउथ में तिपातिग्गा और अमृता बल्ली गुड़वेल। ये गुड़वेल इतनी अच्छी होती है, इस पूरे जिले में हम 100 करोड़ रुपए की तो गिलोय खरीद सकते हैं। 100 करोड़ रुपए की, खाली पेड़ पे लगाना है, कोई उसमें खादर पानी कुछ नहीं चाहिए, खाली पेड़ के नीचे लगा दो, ऊपर वो लता फैल जाती है, गिलोय अमृता, अद्भुत है। और जो गिलोय खाता है वो जल्दी बुढ़ा नहीं होता है, 100 साल जिएगा। हाँ, आजकल ये हमारे हंसराज अहिर भैया भी ये गिलोय पीना शुरू कर दिया है और कपाल भाती करता है, इसलिए 100 साल जिएगा। तो जोरदार तालियां हमारे हंसराज अहिर भाई के लिए भी, सब यशस्वी बने, दीर्घायुष्य पाए। सुनो, गिलोय सब पीना, आंवला, एलोवेरा, ये दोनों लगाना आप। हमने नागपुर में अभी इसी साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर से पहले पहले अक्टूबर में यहां उसका क्रॉप आता है संतरे का, 800 टन हम प्रतिदिन, आप पूरा विदर्भ क्षेत्र से संतरा खरीदेंगे, एक भी संतरा का फल सड़ेगा नहीं, बेकार नहीं जाएगा, पतंजलि लेगा। आंवला, एलोवेरा आप जितना लगा सकते हो लगाओ, गिलोय जितना लगा सकते हो लगाओ, हनी, शहद जितना पैदा कर सकते हो करो, और बाकी चना और दाल आदि अलग अलग तरह का, ये भी अभी हमने शुरू कर दिया है। तो अच्छी चीजों को ठीक से, आजकल पैदावार तो अच्छी करनी चाहिए लेकिन उसको ठीक तरह से मार्केट करना, कुछ चीजों को वैल्यू एडिशन करके देना। जैसे एलोवेरा को हम लोग उसका जेल बनाते हैं, एलोवेरा का जेल लगाने से चेहरे के ऊपर इतना खूबसूरती रहता है, कोई फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं, पूरा केमिकल है उसके अंदर। हमारा ऐसे तो पूरा भारत हमारी मातृभूमि है लेकिन शरीर का कोई स्थान विशेष होता है तो हरियाणा में हमारा जन्मभूमि। उधर एक आदमी ने क्या किया, अपनी भैंस के पुट्ठे पर फेयर एंड लवली लगाया 5 साल तक, वो 1 इंच भी गोरा नहीं हुआ। फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा गोरी होने वाला, छोरा हो या छोरी हो, कोई गोरा गोरी नहीं होगा। एलोवेरा जेल लगाने से नेचुरल ग्लो शाइनिंग आता है फेस के ऊपर, जैसे तुम मां के पेट से पैदा होते हो ऐसा आपका फेस का नेचुरल ग्लो शाइनिंग रहता है एलोवेरा से, रिंकल पिंपल्स खत्म। रोज शाम को सोते समय लगा लिया करो, मैं तो कभी कभी 5-7 दिन में एक बार लगा लेता हूं, मेरा फेस का कलर जैसे मेरी माँ ने पैदा किया था ऐसा का ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, इतना अच्छा है वो, बहुत अच्छी चीज है। एलोवेरा का जेल हमने बनाया, एलोवेरा का जूस हमने बनाया, एलोवेरा का साबुन हमने बना दिया,
एलोवेरा के ऐसे हमने एलोवेरा का हैंड वॉश बना दिया, एलोवेरा का शैम्पू बना दिया, ये इतनी अच्छी चीज है, सबको पता नहीं था उसमें एंटी एजिंग गुण है। जो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये और जो मोटे मोटे हैं, जितने भी मोटे मोटे लोग हैं, वो गोमूत्र का अर्क पिया करो सुबह सुबह, एक महीने में 10 किलो वेट कम हो जाएगा। थोड़ा गंध आता है उसमें, दारू से तो अच्छा ही आता है। हमारे सुधीर भाऊ ने यहां पर नशाबंदी कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, तो ये अभी मैंने बोला सबको, एक तो सुबह कोरफड़ पीना, कोरफड़ सबको आ गया ना समझ में, आजकल तो सब एलोवेरा अंग्रेजी बोलने लग गए। एक और फड़, घृत कुमारी, आंवला और एक गिलोय, ये तीन औषधि तो सब लिया करो सुबह उठ करके, किसी के घर में कोई बीमारी नहीं होगी। हम चाहते हैं मेरी भारत भूमि में पैदा हुआ एक भी बच्चा कोई बीमार ना हो, एक भी व्यक्ति। और ये होगा योग से, किससे होगा ये, योग से। तो हमारा मंत्र है करो योग रहो। चलो तुम्हें भी करवाते, करोगे ना थोड़ा, अभी तो हम तो तैयार रहते हमेशा। तब मैं बोलूंगा करो योग, आप बोलोगे रहो, जब जोर से बोलेंगे करो योग। सिंपल मंत्र है, देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने पूरा वेदा शास्त्र तो पढ़ा है, पहले व्याकरण शास्त्र पढ़ा, फिर दर्शन शास्त्र, उपनिषद, वेदा शास्त्र, ये सब पढ़ा है मैंने, फिर आयुर्वेद शास्त्र पढ़ के मैंने मॉडर्न मेडिकल साइंस भी पढ़ा, फिर अर्थशास्त्र भी पढ़ा। हाँ, ये सुधीर भाई का भी डिपार्टमेंट मैं जानता हूँ पूरा, ये पूरा अर्थशास्त्र कैसे चलता है। और अब तो देखो सबसे बड़ा अर्थशास्त्र पर कब्जा विदेशी कंपनियों का, जो हमारे हंसराज अहिर भाई ने बोला कि इस देश में अभी भी, पहले तो एक विदेशी कंपनी आया था जिसने देश को लूटा और गुलाम बनाया, क्या नाम था उसका, जोर से बोलो, ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी नहीं भूले ना, आने वाले 100-100 साल और नहीं भूलोगे, बहुत देश में अत्याचार हुआ, 7 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई उनसे मुक्ति दिलाने के लिए, पूरा देश पे कब्जा कर लिया। पहले हल्दी मिर्च बेचते थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, वो उससे जहांगीर से यहां अजमेर में जाकर परमिशन लेके आए थे, पूरा देश पे कब्जा कर लिया एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आज देश की 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर इन विदेशी कंपनियों का कब्जा है। हम जो इन्होंने बोला वो हम कर रहे हैं, थोड़े दिनों में ये विदेशी कंपनियों का कब्जा हटेगा और देश को आर्थिक और सांस्कृतिक आजादी दिलाने का काम हम सबको मिलकर के करना है, ये दो काम करना है। तो सुनो, उससे पहले आपको आजादी दिलाते बीमारियों से, एक तो ये किया करो, देखो भरो, आवाज तो जोरदार है, मैं आसन भी करता हूं आपको भी करके बताऊंगा, ये मेरे लिए दरी बिछा रखा है, जैसे इस पे बाड़ा और डांस करेगा। तो सुनो, ये 2 मिनट जरूर करना, लंग की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम, जितने दुनिया में लोग मरते हैं हार्ट अटैक से, कैंसर से, किडनी फेलियर से, सबसे ज्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल होने से मरते हैं, ये पूरा साइंटिफिक पूरा सर्वे है, रिसर्च है। फेफड़ा, इसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, सर्दी, जुकाम, काफ, एलर्जी, नजला, दमास, ये कोई नहीं, 2 मिनट कर लेना, जो जवान जवान है ना वो ऐसे ऐसे चेयर पे बैठ के कर सकते हैं ना आराम से, हाँ ऐसे कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, पैर मोड़ के नहीं की जरूरत नहीं, कोई पद्मासन आदि ऐसे कोई आसन लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे नीचे पैर करके कर लो, कुर्सी पे बैठे बैठे, सब कुर्सी वाले लगाओ, ये खाने के बाद भी कर सकते हैं। ए बहनों तुम भी करो, बुढ़ी नहीं होगी, जितना ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है ना, ये आंवला भी एंटी एजिंग है, एलोवेरा भी एंटी एजिंग है, गिलोय भी एंटी एजिंग है, उससे मोटापा, शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, SLMS, ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर कुछ नहीं होगा, ये साथ में करो, लंबा सांस लो, ऐसे, इसको बोलते भस्त्रिका, क्या बोलते बोलो, ये 2 मिनट करना, जो यंगस्टर्स है ना, जवान बेटे बेटियां, वो ऐसे जोर से करना,
सर कंपटीशन में करो ना। ये मैं 5 मिनट ऐसे कंटिन्यू करता हूं, कितनी देर मेरे को पसीना आने लगता है 5 मिनट करने से। अभी तो थोड़ा आया, अभी तो आधा ही मिनट किया था, 5 मिनट में पूरे शरीर में पसीना आ जाता है, बिना दौड़ लगाए, बिना जिम किए, बिना दंड बैठक लगाए, बिना कुश्ती किए। वैसे मैं रेसलिंग में मैं करता हूं, 25 साल वाले को भी पछाड़ता हूं। आप लोग देखते रहते हो ना सोशल मीडिया यूट्यूब पे, बाबा रामदेव रेसलिंग। ऐसे 2 मिनट इसको करना, लंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। हमारे शरीर में 5 तत्व है, 5 प्राण है, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, ये 5 तत्व है, 5 प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 उपप्राण नाग कुर्मे किरकले दत्त धनंजय, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेन्द्रिया, अंतःकरण चतुष्ट, अष्ट चक्र, 9 द्वार, 72 करोड़ 72 लाख, 10,200 नाड़ियां हैं, और एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम से लेकर के उनसे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाला पूरा ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव एक्सिलेटरी डाइजेस्ट स्केलेटन सर्कुलेटरी सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक हाफ थर्म सिस्टम, पूरा सिस्टम, सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स, बॉडी ब्रेन और ब्रेन के अंदर पैदा होने वाले थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस का, पूरे हमारे एग्जिस्टेंस का बैलेंस होता है योग से। यह है योग का विज्ञान। यह सामान्य काम नहीं है कि बाबा ऐसे ही फूंक मार रहा है, फूंक मारने से क्या होगा, ऐसा फूंक मारने वाला काम नहीं है खाली। इससे पूरी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, और एनर्जी से ही दिमाग काम कर रहा है, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जुबान से बोल रहे हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, पूरा बॉडी का जो फंक्शन है ये एनर्जी से चलता है पूरा। एक भस्त्री का कितनी देर करना, 2 से 5 मिनट, धीरे कर सकते हो ऐसे, तेजी से कर सकते, ये थोड़ा मध्यम बल है तो, और जो जवान है ना उनको स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस चाहिए। ये 3 सूत्र हैं जवानों के, आजकल इसी पर चल रही है सारी जवानी। स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस, आपको स्पीड चाहिए जवानों को तो फास्ट करना से, मिनट कर लिया ना, ऐसे तो पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा, ऐसे पूरा एक मस्ती सी आ जाती, बिना दारू पिए नशा सा हो जाता है। हाँ, नशे में सबसे ज्यादा खतरनाक नशा होता है अफीम का, उसमें होता है मॉर्फिन। क्या होता है? मॉर्फिन। और जो एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे पैदा होता है इंडोरफिन। इंडोरफिन ये अच्छा गुड हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH बैड हार्मोन्स है। इससे स्ट्रेस आता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, डिप्रेशन होता है, पेट खराब हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है, हड्डियाँ खराब हो जाती हैं, सारी बीमारियाँ। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। ये प्राणायाम करने से ना इंडोरफिन बढ़ जाता है, नशा करने की इच्छा ही नहीं होती। एक नशा मुक्ति तो शासन से कर दी, उसके लिए हमारे भाई सुधीर जी को और अहीर जी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, इधर नशा मुक्ति कर दिया। लेकिन अंदर से नशा मुक्ति होगी योग से, नहीं तो बाहर से इधर उधर लोग देसी बना के ठोकते हैं जोर से, वो चक्कर नहीं चलेगा। सेकंड, देखो दूसरा, ये पूरा पूरा अस्तित्व को ऊर्जा से भरने के लिए, भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र, ओरा बोलते हैं संस्कृत में, ओरा, वो ऐसा तैयार हो जाता है। उसी प्राण को ही ब्रह्म कहा, इसी को ब्रह्मास्त्र कहा। बहुत जबरदस्त है ये, 2 से 5 मिनट तो ये करना। दूसरा, ये करके देखो, जो माताएं बहनें करेंगे ना उनका पेट एकदम स्लिम रहेगा, पेट इतना रहना चाहिए। सुनो, ऐसे पीछे अंगूठा लगाओ, अपना अपना माप के देखो, पीछे अंगूठा लगाओ तो सामने से अंगुलियों में पेट आ जाए, इतना ही है ना सभी का, इतना होना चाहिए। और फिर इसको घुमाओ तो ऐसे घूम जाना चाहिए, बीच से निकले, दाएं बाएं दोनों तरफ घूमे,
इतना कंट्रोल होना चाहिए अपनी बॉडी पर। वो किसी किसी का तो इतना मोटा है, वो भीतर ट्रैफिक जाम है पूरा, अंदर जाए तो घूमे ना, वो उधर एक राइट लाइट और बैक रिवर्स मारने का चांस ही नहीं है, फ्रंट टर्न में ही जाता है सारा। अब आप लोग घुमाओगे तो पीछे से घूम जाएगा, बैक गियर लग जाएगा। एक कपाल भाती सब करना, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पिनकिया, यूट्रस, ओरी, प्रोस्टेट, हार्ट, थायराइड, सब एकदम परफेक्ट। माताओं बहनों कपाल भाती करना, थोड़ा शाक भाजी खाना, आंवला, एलोवेरा, गिलोई, थोड़ा ये सब ले लेना, किसी को भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। लो हीमोग्लोबिन लेडीज का एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, एक तो मंथली में ब्लड निकल जाता है, दूसरा ये जेनेटिकली थोड़ा लेडीज में प्रॉब्लम होता है, भाइयों को भी होता है बहुतों को, 90% तक लेडीज में और 50% जेंट्स में। हीमोग्लोबिन हमारा होना चाहिए 16, 16। मेरा 25 ईयर से मैंने हीमोग्लोबिन चेक करवाया, उससे पहले तो कभी ध्यान नहीं दिया, 25 ईयर से। एक बार का मेरे पहला का रिपोर्ट था, उसमें मेरा 12 पॉइंट समथिंग था 25 वर्ष पहले, लेकिन 25 वर्ष से जब मैंने प्राणायाम ज्यादा करना शुरू किया, मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है, 17.5। और मैं साल में एक से दो बार ब्लड डोनेशन करता हूं, इतना हीमोग्लोबिन बढ़ता है। फिर विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगा कपाल भाती करने से, सारा डाइजेस्ट तो यही होता है ना। एक बार करके देखो, श्वास को बाहर छोड़ो, करो, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, इसका मतलब प्रैक्टिस करते हैं। अभी कुछ लोग जो खाना खा के बैठे हैं, उनको फिर ठोकेंगे तो रोटी ठोकेगी, आप मत करना, अभी दो रोटी खा के आए हैं, मैंने तो पपीता खाया, वो पानी हो गया अंदर जाके, चक्कर खत्म। मैंने 18 साल तक अनाज नहीं खाया, अभी भी बहुत थोड़ा सा खाता हूं, अभी फिर दोबारा बंद कर दिया, साल का खाओ ना। देखो ये कपाल भाती बहुत जबरदस्त है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनकिया, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पॉलीसिस्टिक ओरीज, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट होना, मंथली का प्रॉब्लम होना, फिर मंथली बंद होता तो मेनोपोज का प्रॉब्लम होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, कई प्रकार का लेडीज को प्रॉब्लम रहता है, जेंट्स को भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होना, गैस, कब्ज, कुछ लोग तो इतना गैस बनता है ऊपर और नीचे से खूब पटाखे छोड़ते रहते हैं, ऊपर से भी गैस छोड़ेंगे और फिर नीचे से भी, जब कोई ऐसे करवट ले ना तो समझ लो कुछ गड़बड़ कर रहा है। ओ बहुत लोग गैस छोड़ते रहते हैं, कितना खराब लगता है। कपाल भाती करोगे गैस बनेगा ही नहीं, सिंपल रहेगा और सुबह एकदम फर्स्ट क्लास पेट साफ होगा। नहीं तो कुछ लोग एक चाय पीते, दो चाय पीते, तीन तीन चार चार कप चाय पी जाते हैं, पानी पी जाते हैं, कुछ लोग तो बीड़ी पीते, इधर तो नहीं पीते बीड़ी, कुछ लोग बीड़ी पीते, बोले इससे प्रेशर आता है। मैंने कहा भैया धुआं निकालते ऊपर से प्रेशर नीचे कैसे जाता है? ये धुआं नीचे से निकले तो माने कि प्रेशर नीचे गया। ये कपाल, ये गाय भैंस 5-5 किलो का गोबर करती है, कोई बीड़ी पीती है क्या प्रेशर के लिए? कपाल भाती करो, वो नेचुरल लाइफ जीती है बस। अच्छा खाना खाओ, धीरे धीरे चबा चबा के खाना खाना चाहिए। खाने के बारे में 3 बात मैं हमेशा बोलता हूं, कुछ लोग तो इतना जल्दी जल्दी खाते हैं जैसे अपने घर में चोरी का माल खा रहे हो, ठक 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 ठोक के 5 मिनट में खत्म खाना। माताएं बहने 2-3 घंटा लगाती है, 2-3 मिनट में काम खत्म, ये ठीक नहीं। धीरे धीरे खाओ, खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, 3 लीटर लिक्विड बॉडी में रोज जाना चाहिए, उसे ज्यादा नहीं, कम भी नहीं। फिर खाना उसमें आधी चीजें कम से कम, या तो कम पकी हुई कच्ची, फल, सलाद, अंकुरित, ऐसा होना चाहिए 50% हमारी फूड का। और खाना कम खाना चाहिए। दुनिया में 2 तरह से परेशान हैं लोग, कुछ लोग कुपोषण के, कुछ अतिपोषण के, कुछ लोग हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन और कुछ लोग ओबेसिटी के बीमार हैं, उसमें से आप लोग में भी काफी हैं सम्मिलित, दोनों ही समस्याएं ठीक नहीं।
खाना हल्का खाओ, खुश रहो हमेशा। कुछ लोग तो हमेशा ऐसे ही बैठे रहते, ऐसे नहीं बैठो, खुश रहो भाई, जो भी है फेस करो, जो भी लाइफ में आता है, क्या दिक्कत है। ये कपाल भाती बहुत जरूरी है, कोलेस्ट्रोल, ट्रांसफैट, फिर ये इधर जमा होता है तो हार्ट के ब्लॉकेज, फिर इधर ये जमा हो जाता है तो गॉल स्टोन, अंदर जमा होता है किडनी में तो किडनी स्टोन, आजकल तो पेनक्रियाज में स्टोन, पूरी बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट, हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट होने लग गया आजकल लोगों को। हमारे भी एक दूध का पियकड़ आ गया हमारे यूनिवर्सिटी में, वो दो दो तीन तीन किलो दूध पिए, उसका सब कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, उसका दूध बंद करना पड़ा। अभी तीन तीन किलो, चार चार किलो दूध पिए और अब दौड़ लगाना शुरू किया, प्राणायाम करना शुरू किया, वो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है हार्ट में, फिर इधर किडनी में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, उसी से पथरी बनता है, फिर इधर से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है तो गॉल स्टोन बनता है। ये मैं पूरा स्टडी करके बैठा हूं और करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग करके आपको जो एक्सपीरियंस किया वो बता रहा हूं। कपाल भाती से गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट होना और ब्लॉकेज आना, कहीं बॉडी में सिस्ट हो जाना, हाथ में, पैर में, बॉडी में, कोई भी किसी भी प्रकार का बेनाइन ट्यूमर हो या मैलिगेंट, बिना कैंसर वाला, कैंसर वाला, टीबी वाला, कोई भी ट्यूमर है, वो इससे खत्म हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने करोड़ों लोगों को योग करवाया, 9 साल की उम्र से खुद करता हूँ, इतना ज़बरदस्त है। रोज किया करो सब, 5 मिनट रोज, हड्डी मजबूत हो जाएगा। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस के रोगी मैंने अच्छे किए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के, ये इसके बाद ये बाह्य प्राणायाम आता है, जिससे हो जाए तो कर लेना, 3 बंद के साथ, जालंधर बंद, उडयान बंद, मूला बंद। ऐसे बाह्य प्राणायाम बहुत अच्छा है पीठ के लिए, उर्ध्वरेता बन जाता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम है तो उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास अंदर भरना, रोक के रखना आधा एक मिनट, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना, ऐसे ऐसे यथाशक्ति रोक के, मैं तो 2-2.5 मिनट तक रोकता हूं, ऐसे रोक के फिर दाएं नाक को बंद करके थायराइड क्योर हो जाता है, मैंने लोगों का क्योर किया। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जो रोज या कभी कभी योग करते हैं, जरा हाथ उठाना, जो रोज या कभी कभी योग करते हैं, इसका मतलब बीज तो हमने डाल दिए है लेकिन अभी बाकी है काफी, 90% लोग नहीं करते हैं अभी, करना। जिन्होंने योग करके वेट कम किया, ऐसे कितने भाई बहन हैं योग से वेट कम किया, काफ़ी बहनों ने सामने 10-15 ने कम कर रखा, इधर भी वेट भी कम किया है, बीपी का गोली छूट जाता है, थायराइड का गोली छूट जाता है, किडनी पूरा, क्रिएटिनिन बढ़ गया, खराब होगी किडनी दोबारा से ठीक हो जाती है, इतना फायदा है। देखो इसके बाद ही अनुलोम विलोम है, बाया इड़ा दाय पिंगला, इसको गंगा यमुना सरस्वती, इड़ा पिंगला सुषुम्ना कहते हैं, स्वर विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, प्राण विज्ञान स्वर विज्ञान, ऐसे बाएं से लिया, दाई से छोड़ा, दाई से लिया, बिना ही रोके लेना छोड़ना, अनुलोम विलोम, क्या नाम है बोलो, जोर से बोलो, अनुलोम विलोम बोलिए, बहुत जोरदार है ये, 5 मिनट कर लेना, फिर भ्रामरी, तीन से 5 बार ये कर लेते हैं, फिर ओम, ये इतनी 5 चीजें तो सब लोग किया करो, ये योग का इतनी बात तो मैं सब जगह बताता हूँ, बाकी आप लोग आस्था टीवी देखते हो, कुछ यूट्यूब देखते हो, अलग अलग चैनल देखते हो, सब जगह मैं योग सिखाता हूँ, एक ही मकसद है, सुबह आधा से 1 घंटा जो योग कर लेगा 100 साल की निरोग जिंदगी जिएगा, ये एक सूत्र है, 1 घंटा योग, दिन भर करो कर्मयोग और जीवन भर रहो निरोग और जीवन में सब कुछ मिलेगा। ये तो वह योग का प्रश्न है। अब आते हैं वापस किसानों के ऊपर, किसानों को एक तो खेती, खेती में भी जहां तक हो सके सेंद्रीय खेती, और उसमें हमने कहा जो बंजर जमीन है उसके ऊपर आप एक ओरफड़ बोइए, आंवला बोइए,
तुलसी बोइए, और जो बंजर जमीन है वहां पर जो जंगल के साथ लगती है वहां पर आप लोग कुछ ऐसे फूलों का बीज बखेर दीजिए और वहां पर मधुमक्खी पालन कीजिए। एक ये, और उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। खेती में कुछ विशेष कम पानी वाली जमीन में, बंजर जमीन में। फिर अगली बात, औषधीय खेती। हम लोगों को करीब 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वनौषधियां लगती है, 1,000 करोड़ से ज्यादा की। हमारे पास में हर समय करीब 10,000 टन तो औषधि होती है, उससे हम अलग अलग प्रकार की, उसमें आप लोग अलग अलग प्रकार की वनौषधियों को यहां अपने यहां बो सकते हैं। फिर अपने खेतों के जो डोल होती है, चारों तरफ की बाउंड्री होती है, उसके ऊपर पेड़ लगाने चाहिए अलग अलग प्रकार के। उस पर जो पंछी बैठते हैं उससे भी आपके खेत में समृद्धि आती है। पेड़ों के साथ खेती, मिश्रित खेती के प्रयोग, उससे परागीकरण होता है बहुत प्रकार के, उससे मिश्रित खेती से अलग लाभ है। और एक खास बात, खेती के साथ दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात में पूरे देश में सबसे बड़ा काम हुआ, इसके बाद कर्नाटक में बहुत बड़ा काम हुआ, वहां पर दो बड़ी डेयरी भी डेवलप हुई, गुजरात में अमूल और कर्नाटक में नंदिनी। ये दूध वाला काम, इसको ऑर्गेनाइज तरीके से बढ़ाने के लिए अभी हमने महाराष्ट्र में नेवासा में तो दूध का काम शुरू कर दिया है। हमारी कोशिश होगी कि अगले साल तक आपके इस क्षेत्र में भी हम दूध के लिए भी कुछ विशेष काम करें, जिससे कि किसानों को दूध का पूरा मूल्य मिले।